नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू कविता दास रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं बच्चों के लिए कुरकुरे की रेसिपी। घर पे आप इजीली बना सकते हैं दोस्तों, बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अंत तक देखना। चले बनाते हैं मजेदार रेसिपी। इसके लिए ना सबसे पहले गैस में चाय के बर्तन में पानी दो गिलास डाल देंगे और इसके बाद उसमें एक चम्मच ऑयल डाल देंगे दोस्तों। ऑयल डालने के बाद एक चम्मच नमक डाल देंगे और उसको उबालने के लिए छोड़ देंगे। जब उबाल आ जाएगा ना, तभी एक कप इधर पास्ता लिया हूँ मैं दोस्तों। पास्ता आप कोई सा भी ले सकते हैं। और इसके बाद उसको डालने के बाद थोड़ा सा उसको चला लेंगे, नहीं तो पास्ता नीचे जाके लग जाएगा। तो इसके बाद ना 6 से 7 मिनट उसको पकाएंगे। और पास्ता ये देखिए 6 से 7 मिनट हो गया, अच्छे से पक गया है। तो इसको ना अभी गैस बंद कर देंगे और पास्ता को छन्नी में छान लेंगे। तो इधर छन्नी रख दिया हूँ, बोल नीचे और छन्नी ऊपर रख के उसको डाल दिया हूँ पास्ता को। और ये देखिए पास्ता डालने के बाद ना अभी दोस्तों मतलब पानी, ठंडा ठंडा पानी इधर डालेंगे, नहीं तो पास्ता फिर से चिपक जाएगा और ज़्यादा ओवर कुक ना हो जाए, इसके लिए उसके ऊपर पानी डाल देंगे। और इसके बाद फिर पास्ता को लेके ना थोड़ी देर पाँच मिनट तक उसको अलग से रखेंगे। फिर एक बोल में डाल देंगे पास्ता और उसके बाद 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 2 चम्मच मैदा, थोड़ी सी हल्का सा नमक और थोड़ी सी जीरा पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, बस इतने से डालने के बाद ना उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स आप चम्मच से भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं। और इसको ना थोड़ा सा उछल पट ऐसे करेंगे ना तो अच्छे से ये भी मिक्स हो जाएगा पास्ता, उछल उछल के करने से। तो ये देखिए, तो करने के बाद उसको रखेंगे साइड में। तेल गरम करने के लिए बैठा दिया था, तेल गरम हो गया है। तो इसके बाद पास्ता को उसके अंदर डाल देंगे। और ये देखिए दोस्तों, डालने के बाद थोड़ी सी एक से दो मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा। जब तक फ्राई मतलब कुरकुरा बन के ना हो जाए ना, तब तक इसको फ्राई करना चाहिए। तो इसके फ्राई करने के बाद 2 मिनट के बाद ना वो हो गया था, तो उसको निकाल देंगे एक प्लेट में। मैं प्लेट में एक बटर पेपर लगा दिया हूँ और उसके ऊपर ये पास्ता का फ्राई वाला पास्ता उसके ऊपर डाल दिया हूँ। और जितना भी पास्ता था उसको दूसरी प्याज में उसको डाल के फ्राई कर लेंगे। तो बस इसके बाद ना एक बड़ा सा बर्तन रख देंगे। बड़ा सा बर्तन में रखने के बाद ना उसके अंदर ये पास्ता, जो फ्राई वाला पास्ता, उसके अंदर डाल देंगे। और इसमें ना अभी थोड़ा सा मसाला ऐड करेंगे। मसाले में मैं थोड़ा सा नमक, हींग, जीरा पाउडर, कश्मीरी मिर्ची पाउडर, काला नमक, थोड़ा सा काली मिर्ची पाउडर और इधर ना मैं थोड़ा सा मैगी मसाला डाला हूँ। उसमें से बहुत ही चटपटा सा फ्लेवर आ जाएगा। तो इसके बाद इसे उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेंगे और हमारा जो पास्ता का कुरकुरे ना बन के रेडी हो गई है। तो चलिए उसको सर्व कर लेंगे। सर्व करने के लिए एक प्लेट में मैं थोड़ा सा टमाटर सॉस या फिर आप सीजन चटनी, आपको पसंद जो भी रहेगा, बच्चों को ले दे सकते हैं बच्चों को, और उसको सर्व कर लेंगे। और ये देखिए मैं आपको तोड़ कर भी दिखा रही हूँ, बहुत ही कुरकुरा, बहुत ही टेस्टी भी बनी है दोस्तों। और इतना टेस्टी है कि बच्चों को बहुत पसंद आएगा। बच्चों का तो फेवरेट ही रहता है भाई कुरकुरे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना कि जो भी मैं नया इंटरेस्टिंग वीडियो डालूंगी नोटिफिकेशन पहले आपको आ जाएगी। जो भी इंग्रेडिएंट्स ले आऊँ सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उधर से चेक कर लीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं मज़ेदार रेसिपी बच्चे के लिए। तो बाय बाय।